हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 111. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आपके पर्सन के बारे में और बताने की कोशिश करूँगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा. तो आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं. ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ऑलराइट, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग बिना देरी किए. और मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आज मैंने कोई राशि नहीं रखी है. तो आज अगर आप इस रीडिंग को देख पाते हैं, अगर ये आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो. चलिए सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स एनर्जी ओरेकल डेक से निकालेंगे. थैंक यू. आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है डोर टू वैल्यू. आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या है? लेट्स सी. ओके, अटैचमेंट. वाओ. नंबर 5. अप्रिसिएशन. ओके, मैंने यहाँ से तो 3 कार्ड्स निकाले हैं और यहाँ से आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. ऑलराइट, अब हम टैरो से कुछ कार्ड्स निकालेंगे फ्रेंड्स, फिर हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट. आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है. थैंक यू. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. All right. Wow, we have the first card of 4 of Wands. Let's see. Okay. We have 5 of Pentacles. Wow, we have 6 of Cups. We have 7 of Swords. We have 3 of Pentacles. We have the Moon card. Ace of Pentacles. We have Justice. We have 3 of Wands. King of Swords. And we have Page of Pentacles. And यहाँ bottom से आया है Queen of Wands का card. तो चलिए हम साइन और एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई राशि नहीं रखी है फ्रेंड्स. तो मैं साइन और एलिमेंट जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है वो है लीब्रा और पाइसिस. तो लीब्रा और पाइसिस की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की इस रीडिंग में. इसके अलावा यहाँ पर है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस. इसके अलावा है यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इसकी एनर्जी भी है यहाँ पर. यहाँ पर एयर साइन भी है जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पे वाटर साइन भी कुछ लोगों के लिए है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. तो सारे के सारे साइन और एलिमेंट हैं जिनमें से पाइसिस की एनर्जी और लीब्रा की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है. तो आज का हमारा सवाल था कि हमारे जो पर्सन है जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, जिनका ख्याल हमेशा आपके दिमाग में रहता है, ये पर्सन क्या अभी सोच रहे हैं. देखिए, सबसे पहला जो मेरा नज़र पड़ा है इन कार्ड्स पर वो पड़ा है कार्ड अटैचमेंट पर.
तो ये अटैचमेंट का जो कार्ड है कहीं ना कहीं बात करता है कि भले ही आप इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, बात हो रही है नहीं हो रही है, कभी होती है नहीं होती है, अगर आप भी डाउटफुल सिचुएशन में हो तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको लेकर फील तो करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड यूँ ही नहीं आता। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये पर्सन अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है आपके लिए, वो जो दुनिया को जैसा प्रेजेंट करते हैं ना लोगों के सामने, वो एक्चुअली आपके सामने वैसे नहीं है, वो आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल है, वो जैसे रहना चाहते हैं वो वैसे हैं। और अगर आप इस पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत दिल से सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है नहीं, यही आपका दिल भी कहता है कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हाँ फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है जैसा भी चेहरा समाज को अपना दिखाते हो कि इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये आपसे कोई भी झूठ, कोई भी गलत बात नहीं कहना चाहते। फिलहाल मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है अभी कुछ अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसमें इनका जॉब, इनका करियर हो सकता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा व्यस्त है। और ये कारण, सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आ रहा है जिस कारण से ये पर्सन आपसे अभी अपनी दिल की बात जो है खुल कर नहीं कह पा रहे हैं, ठीक तरीके से आपसे बयां नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका रिश्ता अपने पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ है, या फिर रिश्ता टूटा है, या फिर वो पर्सन आगे बढ़े। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी इशू में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके कलीग हो सकते हैं, या फिर इनका काम हो सकता है जिसमें कहीं ना कहीं ये सेटल नहीं थे, या फिर उस वक्त उनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपसे मूव आउट हो गए। मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी ऐसी भी नज़र आ रही है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कास्ट और रिलीजन का भी फ़र्क है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं, इनको अपने आप के लिए भी, इनके आसपास भी जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको नहीं समझ पाते, इन्हें बहुत तरीके से गलत भी समझा गया है। इनके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, इनके अपने लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन अपने आप में कुछ कर नहीं सकते, तो इन्हें बहुत कोई को ये प्रूफ करना है कि ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ जो है अपना काम, अपना जो भी इनका काम है, ये जो भी प्रोफेशन में काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, इनमें इनका पूरा पूरा जो ध्यान है वो लगा हुआ है। इसके अलावा ये इमोशनली, जैसे कि अटैचमेंट का भी कार्ड आया था, इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे अटैच है, और इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, चाहे आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं रखा, आपसे दूरी बना कर रखी, कहीं ना कहीं इस पर इन्हीं का नुकसान हो रहा है। ये आपको याद तो करते हैं बट शायद इन्हें जताना नहीं आता, इन्हें ठीक से बयां करना नहीं आता, तो इसलिए ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की बात जो है बता नहीं पा रहे हैं, बयां नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज जो नज़र आया है फ्रेंड, वो ये है कि आपका और इस पर्सन का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसा फील करते हैं कि ये वही पर्सन है जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग जुड़ी हुई है, इस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो, यही आपके दिमाग में चलते हैं जब भी आप फ्री होते हो, जब भी आपका दिमाग शांत बैठता है, या फिर अगर कोई आप पुराने रोमांटिक गाने सुनते हो, तो जी हाँ, आपको मैं ये बता दूँ कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, शायद कई जन्मों का ये रिश्ता है, शायद आप पिछले जन्म में ना मिले हो, किसी जन्म में ये रिश्ता जो है वो अधूरा रह गया था। तो जी हाँ, ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे
एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, इसलिए जो ये जो आप फील कर पा रहे हो बिना किसी को कहे कि हाँ आपको पता है कि ये पर्सन कहाँ है, ये पर्सन कैसे हैं, आपकी बात हो या ना हो, बट आप ये फील कर सकते हो कि ये पर्सन मुझे समझता है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे याद तो ज़रूर करता होगा, तो ये फीलिंग तो आपके अंदर ज़रूर होती होगी इस पर्सन को लेकर। देखिए ये तो है कि ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, अभी कहाँ व्यस्त है, क्यों चले गए। अब हम बताएंगे आपको कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कार्ड्स भेजे और क्या बताएं कि क्या हो सकता है आने वाले वक्त में। मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, जो लोग भी ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है अपने पर्सन के साथ, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में कुछ लोगों का, या फिर आने वाले 3 से 4 महीनों में काफ़ी लोगों का इस पर्सन के साथ जो है रिश्ता तय हो सकता है। फ्रेंड्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए शादी भी है इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने अब तक अपनी हिम्मत नहीं हारी, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत को नहीं हारा है और ये अब तक जो है अपनी एनर्जी में है और ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ पाए। तो काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी तो तय है। मैं सबके लिए नहीं कह सकती, मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जी लग रही है। इसके अलावा मुझे लग रहा है इस पर्सन को जो है कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक हो सकता है, यानी कि पैसे रुपए से उन्हें कोई ऑफर आ सकता है, कोई ड्रीम डिज़ायर जॉब मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर जाना चाहते हों, बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हों। बाहर मतलब सिर्फ हमेशा ये नहीं होता कि देश के बाहर। फ्रेंड्स कुछ लोग हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपको बाहर जाना हो, दूसरी सिटी में जाना हो, कुछ लोग दूसरी कंट्री में भी जाना चाहते हैं। तो ये जैसे ही ये दरवाज़ा भी आपके पर्सन के लिए आने वाले वक्त में खुलने वाला है और ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी जो है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी यही पता चल रहा है कि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि इस पर्सन को जो है गुड लक मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये अगर अपना बिजनेस करते हैं या फिर मान लीजिए ये जॉब ही करते हैं, बट ये अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर ये पर्सन अपना कोई मान लीजिए चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई यू नो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो इनके दम पर हो, इस पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। हमारे पास एप्रिसिएशन का कार्ड आया था, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, तो यस काफ़ी ज़्यादा इन्हें सक्सेस भी मिलने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर फ्यूचर में आप दोनों इस बिजनेस को एक साथ ही करने वाले हो, एक पार्टनरशिप भी होने वाली है। जिनके पर्सन के साथ रिश्ता जो है किसी ऐसे मोड़ पर टूटा है जहाँ पे आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, तो फ्रेंड्स मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में जस्टिस होने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि अगर कोई ऐसा फैसला है जिस पर आपने अपने तरफ से कहीं ना कहीं जो है पूरी की पूरी यू नो ईमानदारी से इस रिश्ते को बनाए रखा, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ आपने इस पर्सन को यू नो अपना सब कुछ दिया और विश्वास किया इस रिश्ते पर, और किसी ना किसी के कारण, चाहे फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, उनकी हो, कोई पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आप दोनों को मिलवाएगी और ये डेस्टाइंड भी है। मैं सभी के लिए नहीं कह रही फ्रेंड्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी अगर कोई गलत फहमी है किसी पर्सन को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, तो ये भी बहुत जल्दी जो है हटने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे थे वैसा पर्सन भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी रीडिंग में देखने आए हैं, मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आप देखने आए हो कि आपके वर्क और करियर में क्या प्रोग्रेस होने वाला है। बिल्कुल आने वाले वक्त में मैं ये डेफिनेटली बता सकती हूँ कि मुझे लग रहा है मैक्सिमम 5 महीने, इससे बहुत जल्दी भी हो सकता है। मैं मैक्सिमम की बात करी, यानी कि इस ईयर एंड तक आपको जो डिज़ायर्ड जॉब है, आप जो काम करना चाहते हो, चाहे अपना बिजनेस ही क्यों ना हो, किसी के साथ पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, इसमें भी आप मुझे सक्सेस होते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं, ये अगर कोई नया काम स्टार्ट करते हैं उसमें भी इन्हें सफलता भी हासिल होगी। बट अभी जो यूनिवर्स आपसे और इस पर्सन से ये कहना चाहती है कि अभी पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि ये टाइम नज़दीक आ रहा है। अगर आपका रिश्ता आपको महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, आप दोनों कहीं ना कहीं इस वाइब को महसूस करते हो कि नहीं, आप दोनों कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो और
ये रिश्ता जो है कोई आम रिश्ता नहीं है, ये कोई फ्लिंट नहीं है कि आज है कल नहीं है। अगर ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, अगर आप दिल से इस पर्सन को लेकर सोचते हो, तो मुझे डेफिनेटली इन कार्ड्स के थ्रू और यूनिवर्स के थ्रू यही मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स कि आप दोनों एंड अप ज़रूर करोगे। तो यूनिवर्स जो है ब्लेसिंग भी भेज रही है, चाहे वो जॉब के रूप में हो, चाहे किसी किसी लक से इनका कोई बिजनेस जो है वो अचानक से चमक जाए, तो ये अपना स्टैंड भी लेंगे, ये आगे भी बढ़ेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर भी जो है आगे बढ़ेंगे। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी सिटी या स्टेट से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, उसमें भी मुझे सफलता हासिल हो रही है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसके लिए भी जो है यूनिवर्स कह रही है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा समय है। अगर अभी से मेहनत की जाए तो आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आप इसका असर देख पाओगे। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।